बचपन में किताबों में पढ़ा है कि डॉग इज ह्यूमंस बेस्ट फ्रेंड, कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। और आज देख भी लिया जब देखा कि हिमाचल में बीड़ बिलिंग में बर्फबारी में अभिनंदन गुप्ता और उनकी एक महिला मित्र जब ट्रैक पर गए थे अपने जर्मन शेफर्ड डॉग के साथ, तो पैर फिसलने के कारण दोनों की मौत हो गई। उनका जर्मन शेफर्ड डॉग उनके शव के साथ लगभग 2 दिन 48 घंटे रहा ताकि जंगली जीव, कौवे, चील उन्हें नोच ना खाएं। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2 दिन के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्थानीय लोग और पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे तो कुत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा। लोगों ने उसे खाना देना चाहा लेकिन उसने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। रियली सैल्यूट है ऐसे डॉग को। लेकिन आज भी पूरे भारत में कुत्तों को नफरत से, घृणा की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि वो कभी किसी को काट लें, किसी गाड़ी के पीछे भागें, न जाने कितने ऐसे वीडियोस आते हैं जिनमें इनकी दर्दनाक एक मौत हुई होती है। इनको अपना एक दोस्त बनाइए, इनके साथ प्यार करिए, तो ये आपके हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर ही रहेंगे। टीम है, रेस्क्यू टीम है। जी जी, तो सर्च ऑपरेशन पूरा हुआ और बेहद दुखद घड़ी है ये, क्योंकि युवक युवती के जो शव यहाँ पे मिले हैं, जानना चाहेंगे किस तरह से तमाम जो सर्च ऑपरेशन आपके द्वारा किया गया। देखिए, हमें कल शाम तकरीबन 7 बजे के करीब कॉल आई थी, तो कहा गया कि 2 आदमी मिसिंग है परसों रात से। तो तब फिर हमने प्लान बनाया कि कहाँ जैसे से है, फिर इनके साथ जो जो एक टूरिस्ट था, कपल था जी, उनकी उनसे हम मिले और उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ इस पॉइंट तक हमारा था। उसके बाद हमने सर्च ऑपरेशन किया, क्योंकि ये रिज पे थे, तो हमने एक टीम रिज की लेफ्ट तरफ को, एक राइट की तरफ वाली टीम को, लेफ्ट की तरफ की टीम वालों को लोकेट हुआ है जी जी। और ये लास्ट में जो लोकेट हुआ मेन पोजीशन मिले वो जी जी जी। तो क्या कुछ लगता है किस तरह से इनकी जो मृत्यु हुई होगी? क्या देखिए, ये सिंपल सी बात है कि स्नोफॉल था और स्लिपरी एरिया था, और ये काफी स्ट्रांग था, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, बिल्कुल काफी स्ट्रांग है। ये ऊपर फर्स्ट स्लिप किया है, फिर उठे है, फिर दोबारा से स्लिप किया है, और लड़की जिस पोजीशन में, क्योंकि चलने के निशान भी बीच रास्ते में जी, तो लड़की काफी दूरी तक चल के आए, उसने उठाने की कोशिश की, फिर दोबारा गिरे हैं, फिर ये यहाँ तक पहुंचे हैं। पुलिस थाना बीड़ के प्रभारी दिलीप सकलानी जी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पिछले कल से ही जो रेस्क्यू जो ऑपरेशन जारी था और आज दोनों के जो शव यहाँ पे मिले हैं, आप भी मौके पे पहुंचे हैं जी। कल हमारे पास जो है, जो मृतक है इसके जीजा ने हमारे पास रिपोर्ट लिखाई थी कि वो परसों रात से एक घर नहीं पहुंचा था, तो इस वजह से कल जो है फिर रात को ही इस रेस्क्यू टीम और पुलिस की टीम ने आपस में सलाह मशवरा करके आज सुबह ही जो है जंगल में जहां भारी बर्फबारी है और वहां बिलिंग से नीचे को जो है पैदल रास्ता 7 नंबर मोड़ तक जाता है, उसके बीच में ही ये नीचे गिरना पाए गए थे जी जी। तो जब वहां उस रास्ते का पता किया गया तो ढूंढते ढूंढते जब काफ़ी नीचे, कम से कम 300-400 मीटर नीचे, इसमें दोनों की इकट्ठे, इसके साथ लड़की और एक जो है, तो इनके सब मिले हैं।